ये कहानी यशोदा नाम की एक औरत की है। यशोदा गर्भवती थी और उसका पति किसी कारणवश उसे छोड़कर चला गया था। यशोदा बहुत दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो अक्सर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती थी कि वो उनका लालन पालन कैसे करेगी। एक दिन यशोदा अपने मन में सोचती है, मुझे अपना पेट पालना इतना मुश्किल हो रहा है। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 9 महीने बाद यशोदा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। आस पड़ोस के लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। काफी देर बाद जब यशोदा को होश आता है तो वो देखती है कि उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है जो दिखने में अलग अलग है। जुड़वा बेटियों को देखकर यशोदा और टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं 2 बच्चों को अकेले कैसे संभाल पाऊंगी, वो भी दोनों लड़कियाँ। यशोदा ये सब सोच रही थी कि तभी उसे 2 नर्स आपस में बात करती हुई दिखती है। वार्ड नंबर 11 के पेशेंट के साथ बहुत गलत हुआ। बहुत साल बाद उनको बच्चा होने वाला था और बच्चा होते ही मर गया। हाँ, मैंने सुना है वो औरत अभी होश में नहीं आई है और उसका पति एक बच्चा ढूंढ रहा है। अगर उसकी पत्नी के होश में आने से पहले उसको बच्चा नहीं मिला तो बेचारी उसकी पत्नी का ना जाने क्या हाल होगा। तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। वो दोनों नर्स वहाँ से जाने लगती है, तभी बिना समय गवाए यशोदा उन्हें रोक कर कहती है, सुनिए इधर आइए, मैंने सुना कि कोई बच्चा ढूंढ रहा है। मेरी 2 बच्चियां हुई है लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मैं अकेले दोनों बच्चियों को नहीं पाल पाऊंगी, इसलिए आप मेरी 1 बच्ची ले जाकर उन्हें दे दीजिए। रुको, मैं इस बारे में डॉक्टर से बात करके आती हूँ। नर्स डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर यशोदा की 1 बेटी को उठाकर ले जाते हैं। यशोदा अपने मन में कहती है, मैं ये समझ लूंगी कि मेरी 1 ही बेटी हुई है। अगले दिन यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और घर आ जाती है। अपनी बच्ची को लेकर वो टूटी फूटी झोपड़ी में जाती है और कहती है, मेरी बच्ची, इस टूटी फूटी झोपड़ी में तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए यही मेरा आशियाना है। तुम्हें अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती यही रहना होगा। उस दिन से यशोदा अपनी बेटी को पालने के लिए छोटे मोटे काम करने लगती है और दूसरी तरफ उसकी दूसरी बेटी बहुत ऐशो आराम से पलने लगती है। कुछ सालों बाद जब यशोदा की बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो उसका एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। एक दिन यशोदा की बेटी पिंकी स्कूल से उदास होकर घर आती है। पिंकी को उदास देखकर यशोदा उससे कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? आज मेरी क्लास वाली सीमा से लड़ाई हो गई थी तो उसने अपनी बड़ी बहन को बुला लिया। अगर मेरी बहन होती तो वो भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ रही होती तो आज लड़ाई में वो भी मेरा साथ देती। पिंकी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर यशोदा को एहसास होता है कि वो अपनी दोनों बेटियों की देखरेख कर सकती थी। उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। गरीबी के कारण यशोदा चिड़चिड़ी होती चली गई। वो केवल पैसों के पीछे भागने लगी। उसे हर जगह बस पैसा ही पैसा दिखाई देता था। इसी तरह 2-3 साल और बीत गए और यशोदा ने एक बहुत ही अमीर घर में काम पकड़ लिया जहाँ के मालिक का नाम सूरज मेहरा था। सूरज मेहरा एक बहुत ही बड़ा आदमी था। उसकी पत्नी की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। तब से वो अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहता था। यशोदा उसके घर में काम करने जाती और वहाँ रखी महंगी महंगी चीजों को देखकर उसके मन में बहुत लालच आ जाता था। बाप रे, मालिक के किचन में कितने सारे काजू बादाम रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, इन्हें अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी आराम से खाएंगे। ऐसा सोचकर यशोदा अपने पल्लू में ढेर सारा काजू और बादाम भर लेती है और छुपाकर घर ले आती है और अपनी बेटी से कहती है, पिंकी देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, आप तो काजू और बादाम लेकर आई हो। मैंने ये कभी नहीं खाए पर इनके बारे में बहुत सुना था।
खा ले, बहुत पौष्टिक होती है ये चीजें, तेरे अंदर ताकत आएगी। तुझे पता है मालिक के घर से चुरा कर लाई हूँ, वरना हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं तुझे ये सब खिला सकूँ। यशोदा ने अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी गलत ज्ञान देना शुरू कर दिए। जब भी वो मालिक के यहाँ से कुछ चोरी करके लाती तो अपनी बेटी को बताती थी, जिससे पिंकी भी प्रभावित होती थी। इसी तरह पिंकी अपनी माँ की तरह लालची और पैसों के पीछे भागने वाली बन गई। इसी तरह काफी दिन बीत गए। रोज यशोदा अपने मालिक के यहाँ से कुछ न कुछ चुरा कर ले आती थी और सूरज मेहरा को कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी पर उतना ध्यान नहीं दे पाता था। हद तो तब हो गई जब यशोदा ने सूरज मेहरा की बेटी काव्य की चांदी की पायल चुरा ली। हाय हाय, कितने प्यारे पायल है, बहुत महंगे लग रहे हैं, मेरी बेटी के पैरों में बहुत अच्छे लगेंगे। वो पायल लेकर यशोदा घर चली जाती है। अगले दिन जब वो काम पर आती है तो उसका मालिक उससे पूछता है, यशोदा काव्या की चांदी की पायल खो गई है, तुमने कहीं देखा है क्या, या फिर सफाई करते हुए तुम्हें मिली हो? नहीं नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो बेबी जी की पायल नहीं मिली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम तो घबरा ही जाती हो, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। सूरज मेहरा को कहीं ना कहीं यशोदा पसंद थी, इसलिए वो उसकी छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा कर देता था। धीरे धीरे इस बात का आभास यशोदा को भी होने लगा। उसने अपने मन में सोचा, साहब तो लगता है मेरे प्यार में पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेरे पास गोल्डन चांस है साहब से पैसा ऐंठने का, चल यशोदा अपना काम शुरू कर दे। यशोदा अपने मालिक के पास जाती है और उनसे कहती है, मालिक इस महीने थोड़ा एडवांस चाहिए था, बेटी सरकारी स्कूल में जाती है ना, इसलिए सोचा है उसका ट्यूशन लगवा दूं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, लगवा दो ट्यूशन, मैं तो कहता हूँ उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा दो, फीस वगैरह की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूँगा। और रही बात एडवांस की, तो ये लो पूरे 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे पाकर यशोदा बहुत खुश हुई, अब उसके मन में और ज्यादा लालच आने लगा, इसलिए उसने सूरज मेहरा से शादी कर ली और अपनी बेटी को लेकर सूरज मेहरा के घर पर रहने लगी। यशोदा, तुम्हारी मालकिन के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी परेशानियों को देखा, तो मुझे लगा कि तुम्हें किसी की जरूरत है, और मेरा घर भी बिना किसी औरत के खाली मकान लगता था, मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम्हें मेरी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। बाकी तुम मेरी बेटी को माँ की ममता दे देना, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को बाप का प्यार दे दूंगा, इससे ज्यादा अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। अब आप चिंता मत कीजिए साहब। क्या कहा तुमने, अरे पागल, अब तुम मुझे सूरज जी बोल सकती हो, अब मैं तुम्हारा पति हो गया हूँ। हाँ हाँ सूरज जी, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना ध्यान काम पर लगाइए, बाकी काव्य बेटी का तो मैं अच्छे से ख्याल रख लूँगी। सूरज ने यशोदा की बेटी पिंकी का दाखिला बहुत महंगे स्कूल में करवा दिया। वो तो पिंकी को बाप का प्यार पूरी तरह से दे रहा था, लेकिन यशोदा काव्य को माँ का प्यार बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, और साथ ही यशोदा की बेटी पिंकी भी काव्य को बहन नहीं मानती थी, क्योंकि वो दोनों तो वहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए गई थी। यशोदा और पिंकी काव्य को एक आंख नहीं देखना चाहती थी। माँ, हमने जो जो सोचा था वो सब हो गया, लेकिन बस ये काव्य की बच्ची मेरी आँखों में खटकती है। तू सही कह रही है बेटी, अगर ये नहीं होती तो ये सारी जायदाद मेरी और तेरी ही थी, लेकिन इसके कारण अब हिस्सा लगेगा। वही तो, पापा कोई भी अच्छी चीज लाते हैं तो पहले उसको देते हैं, बाद में मुझे देते हैं, मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है, मन करता है जहर देकर मार दूं। तो फिर देर किस चीज की, मार दो। पिंकी को उसकी माँ की तरफ से बढ़ावा मिलता है और वो एक खून करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने दिमाग में कुछ षड्यंत्र रचती है और अगले ही पल काव्य के लिए ग्लास में दूध लेकर जाती है, जिसमें उसने जहर मिला रखा था। काव्या, मैं जानती हूँ अभी तुम्हें थोड़ा समय लगेगा हमारे साथ घुलने मिलने में, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, पी लो। तुम रख दो, मैं पी लूँगी। नहीं, तुम्हें अभी मेरे सामने पीना होगा, क्योंकि फिर तुम्हें मेरे साथ नीचे खेलने जाना है।
काव्या वो दूध पी लेती है। दूध पीते ही उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन उसे लगता है ये साधारण से चक्कर होंगे। वो पिंकी के साथ खेलने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। तभी पिंकी मौका पाकर काव्या को धक्का दे देती है, ताकि उसके पिता को ये ना पता चले कि उसकी मौत जहर खाकर हुई है। काव्या धड़ाम से सीढ़ियों के नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यशोदा और पिंकी को पता था कि काव्या अब नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने तुरंत सूरज को फोन कर दिया। सूरज भागा भागा घर आया और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगा। तुम पागल हो गई हो, इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई? मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। सूरज एम्बुलेंस को फोन करता है और वो पूरा परिवार फौरन हॉस्पिटल पहुँचता है। डॉक्टर तुरंत काव्या को एडमिट कर लेते हैं। वो हॉस्पिटल वही था जिसमें यशोदा ने अपनी दोनों बेटियों को जन्म दिया था। वो हॉस्पिटल देखकर यशोदा की पुरानी यादें ताजा होने लगती है और पिंकी अपने मन में ये सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन काव्या बचनी नहीं चाहिए। पूरे 2 घंटे तक काव्या का ऑपरेशन चलता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, देखिए पेशेंट की हालत बहुत खराब थी, उनके शरीर में पॉइजन था। अगर आप उन्हें समय पर नहीं लाते तो उनको बचाना बहुत मुश्किल था। बाय द वे अब वो डेंजर जोन से बाहर हैं। सूरज बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर काव्या के शरीर में जहर कैसे गया। पिंकी और यशोदा पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काव्या बच जाएगी, लेकिन वो बच गई। सूरज यशोदा से कुछ कहता, उससे पहले ही वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर आता है और कहता है, अरे सूरज जी, आप और आपकी वाइफ कैसी है? एक्चुअली कुछ साल पहले वो मुझे और काव्या को छोड़कर चली गई थी। ओहो सो सॉरी, और आपकी बेटी कैसी है? मैं उसी को लेकर आया हूँ, पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर गई, और डॉक्टर बता रहे हैं उसके पेट में उन्हें पॉइजन जैसा कुछ मिला है, लेकिन अब वो डेंजर जोन से बाहर है। लेकिन मानना पड़ेगा सूरज जी आपको, किसी और की बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है आपने। कभी उसे पता नहीं लगने दिया कि आप और आपकी वाइफ उसके अपने माता पिता नहीं थे। भला हो उस औरत का जिसने अपनी बेटी आपको दे दी थी। हाँ, मैं उस औरत से मिल भी नहीं पाया था। डॉक्टर और सूरज की बात यशोदा सुन रही थी, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उसने अपनी बेटी से जहर दिलवा दिया, वो लड़की उसकी खुद की ही बेटी थी। जब यशोदा को ये बात पता चली तो उसको एक एक करके अपनी सारी गलती का एहसास होने लगा। जैसे ही काव्या होश में आई, यशोदा भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। पीछे से सूरज और पिंकी भी वहाँ आ गए। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं नहीं जानती थी कि तू मेरी ही बच्ची है। गरीबी ने मुझे इतना बुरा बना दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं हालातों की मारी तुझे किसी और को देना पड़ा था मुझे। आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं अपने आप को छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ यशोदा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब यशोदा सूरज को सारी बात बताती है कि वही वो औरत है जिसने अपनी बेटी उसको दी थी, और वही है जिसने अपनी बेटी को उसे जहर देने के लिए प्रेरित किया था। सूरज को यशोदा पर बहुत गुस्सा आता है। वो यशोदा पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी काव्या उसे रोक देती है। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं करेंगे, माँ पर हाथ मत उठाइए। काव्या की ये बात सुनकर यशोदा शर्मसार हो जाती है। पिंकी को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सूरज का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें रोक लेता है। कुछ दिनों में काव्या ठीक होकर घर आ जाती है। उस दिन के बाद से वो सारा परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। तालाब में जादुई फ्रॉक का घर। सोनपुर गांव में काजल अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। काजल बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके मौसा मौसी बहुत लालची और चालाक थे। काजल अपने घर के कामों के साथ साथ अपना खुद का बुटीक चलाती थी। बुटीक से उसे जो भी कमाई होती थी, उसका सारा पैसा उसके मौसा मौसी उससे ले लेते थे, और काजल बेचारी वो सारे पैसे उन्हें दे देती थी। एक दिन बुटीक से थक कर जब काजल घर आती है, आ गई बेटा, आजा, आज मैंने तेरे पसंद के गोभी के पराठे बनाए हैं। मौसी, आज कोई पैसे नहीं मिले मुझे बुटीक से। पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले पैसे? अच्छा समझ गई, आज तूने फिर से बिना पैसे लिए किसी के कपड़े सिले हैं।
मैं सही बोल रही हूँ ना? मौसी, वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसके पास फ्रॉक सिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे बिना पैसे लिए ही उसकी फ्रॉक सिल दी। वाह 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 वाह, हम तो जैसे बहुत अमीर दिखाई देते हैं। अरे तुझे सबका दुख दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता? क्यों तू ऐसे एहसान करती फिरती है? अब तुझे कैसे समझाऊं, महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, दाल चावल दूध दही पता है कितने महंगे हो गए हैं। आज भी राजू की दुकान से उधार लेकर तेरे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं कि तू शाम को आकर पैसे दे ही देगी, उसको अब मैं कहां से पैसे दूं? मौसी, मैं आपको कल पैसे लाकर जरूर दे दूंगी, आज मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूं और मैं अब सोने जा रही हूं। ठीक है, जा सोने, अब किसी का भी फ्री में काम मत करियो, ऐसे फ्री में कौन काम करता है। फिर बड़बड़ाते हुए उसकी मौसी वहां से चली जाती है। जाने कब इस लड़की को अकल आएगी, हमें कमाकर खिलाने की जगह या तो यहीं बैठकर खाने की सोच रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मौसी को काजल से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके पैसों से। काजल घर का सारा काम करके अपनी बुटीक में चली जाती है, तभी वहाँ एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल आती है और काजल से कहती है, ए लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक फ्रॉक बना दोगी? आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मैं सबसे सुंदर दिखूं। हाँ क्यों नहीं, मुझे अपना नाम दे दीजिए, मैं अभी आपकी फ्रॉक सिलकर दे देती हूँ। काजल चुड़ैल का नाप लेकर उसके लिए फ्रॉक सिल देती है। फ्रॉक पहनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक सिली है, अभी तक मैं जिस जिसके पास गई थी उन सभी ने मेरा ये बदसूरत चेहरा देखकर इनकार कर दिया था फ्रॉक सिलने से। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल काजल को 20 सोने के सिक्के देती है और सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। काजल बुटीक बंद करके घर आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी दीदी मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मर जाएंगी। दीदी बताओ कहाँ है आपकी माँ, मुझे बताओ। वो रही मेरी माँ दीदी। अरे इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर काजल उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत ही उनका ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से काउंटर पर 10,000 रुपए जमा करवा दो। काजल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे, तभी उसको ध्यान आता है कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा करवा देती है। आप किसी भी तरह उनकी जान बचा लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उस बच्ची को अनाथ होते नहीं देख सकती। आप पेशेंट की कौन लगती हैं जो आप उनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। आज से 15 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद करी होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अनाथ होने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इतना बोलकर काजल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। 2 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। काजल उन दोनों माँ बेटी को घर पहुँचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर देती है। अगले दिन वो अपने घर जाती है। कहाँ थी रात भर, मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुँह काला करवा के आई है? ये कोई टाइम है तेरा घर आने का? और हाँ, पिंकी बता रही थी कि कल तुझे चुड़ैल ने 20 सोने के सिक्के दिए थे, सिक्के कहाँ हैं? ला दे मुझे। मौसी, सिक्के तो सारे खर्च हो गए। एक ही साथ में सारे सिक्के कहाँ उड़ा दिए तूने? अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। कल तक तू लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता किसको देकर आई है पैसे? काजल मौसी को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब ना पाकर मौसी आग बबूला हो जाती है। अब बस बहुत हुआ तेरा, अब से ऐसा नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और कहीं और पैसे उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई थी तेरे लिए? 15 साल से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जिस बुटीक को लेकर तू इतना रानी बनी फिरती है ना, वो तेरे बाप का नहीं है। चल अब निकल यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा मेरे घर से।
मुझे मत निकालो मौसी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी, प्लीज मौसी। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर मौसी काजल को घर से बाहर निकाल देती है। काजल रोते हुए तालाब के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर काजल पर पड़ती है। काजल, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो काजल, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है इस तालाब में एक जादुई फ्रॉक का घर है जो तालाब के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई फ्रॉक का घर ला कर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक फ्रॉक का घर काजल को ला कर देती है। काजल, जैसे ही तुम इस फ्रॉक के घर को जमीन पर रखोगी, ये बड़ा हो जाएगा। अब तुम इस फ्रॉक को लेकर अपने गांव जाओ, अब से ये फ्रॉक का घर तुम्हारा। काजल चुड़ैल को धन्यवाद कहकर गांव में आकर एक खाली जगह पर फ्रॉक रख देती है। फ्रॉक रखते ही वो बहुत विशाल हो जाता है। जादुई होने के कारण उस फ्रॉक के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। काजल दयालु तो थी ही, अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है, आखिर इस लड़की के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है। जिसको सुनो वो काजल के गुणगान गाते जा रहा है। अगर ऐसा ही होते रहा ना, तो ये काजल इन भूखे नंगे गांव वालों पर सब लुटा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर काजल की मौसी काजल के घर जाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, अरे मैंने तो तुझे गुस्से में ही बोल दिया था। तू तो सचमुच नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी मौसी ही हूँ, माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मौसी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी मौसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये घर तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ कितना सारा सोना और चांदी है। लेकिन अब मैं इस काजल की बच्ची को किसी की भी मदद नहीं करने दूंगी। मौसी काजल को लोगों की मदद करने के लिए मना करती है, लेकिन काजल मौसी की बात नहीं मानती। जो कोई भी काजल से कुछ भी मांगने आता, काजल उसे वो दे देती। जिससे नाराज होकर मौसी काजल को मारने का फैसला करती है। रात में जब काजल सो जाती है, तब मौसी चाकू से काजल के ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मौसी एक बंदरिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये मैं क्या बन गई? तभी उसकी मौसी के कानों में फ्रॉक में से एक आवाज आती है। पापी औरत, धन के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही घूमोगी, यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर तुमने काजल को परेशान करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें बंदरिया से मेंढक बना दूंगी, समझे तुम? इतना सुनते ही बंदरिया उछलते कूदते वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और दिव्या खुशी खुशी अपनी फ्रॉक के घर में रहने लगती है। पाताल बरी की जादुई छड़ी। विकास और प्रेरणा एक बड़े से घर में अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहते थे। विकास और प्रेरणा के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका परिवार खुशहाली से रह रहा था। मम्मी पापा और दादी सब दोनों ही बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक रात पूरा परिवार किसी रिश्तेदार के घर से शादी से वापस लौट रहे होते हैं, तभी अचानक रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस भयानक एक्सीडेंट में आगे की सीट पर बैठे दोनों बच्चों के मम्मी पापा की मौत हो जाती है। पिछले सीट पर बैठने की वजह से दादी विकास और प्रेरणा को ज्यादा चोट नहीं आती है। अपने मम्मी पापा की मौत के बाद विकास, प्रेरणा और दादी सुलोचना बहुत ही उदास रहने लगे थे। दो दिन बाद विकास और प्रेरणा के चाचा राजेश और चाची रिंकी उनके घर आती हैं। दोनों बहुत ही दुष्ट और लालची किस्म के इंसान थे। अम्मा, अचानक ये क्या हो गया, इतने जल्दी भैया भाभी हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए? सुलोचना रोते हुए बोलती है। भगवान को ले जाना ही था,
तो मुझे ले जाता। इन दोनों मासूम बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीनने की क्या जरूरत थी। राजेश और रिंकी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलते हैं, अम्मा ऐसा मत बोलो, अभी आपका छोटा बेटा और बहू जिंदा है। हाँ अम्मा, हमें तो भगवान ने औलाद नहीं दी है, इसलिए अब से हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद जैसे पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। साथ ही हम दोनों मिलकर भैया का कारोबार और घर दोनों संभाल लेंगे, आप जरा भी चिंता मत करना। हाँ अम्मा जी, आखिर मुसीबत में अपने ही तो अपने के काम आते हैं। इतना कहकर राजेश और रिंकी उस दिन से उसी घर में रहने लगते हैं। सुलोचना उन दोनों के स्वभाव को समझती थी, इसलिए उन दोनों के साथ नहीं रहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके दो बेटे थे, एक बेटा बहू की तो मौत हो गई और अब दूसरे का ही सहारा था। दोनों पति पत्नी आते ही हवेली के सबसे अच्छे कमरे में अपना डेरा जमा लेते हैं। दोनों पति पत्नी घर के नौकरों को बोलकर जो मन होता था वो बनवाकर खाते थे। रिंकी राजेश से कहती है, सुनिए जी, अब मुझसे प्यार मोहब्बत और ये हमदर्दी वाला ड्रामा और नहीं होगा। जल्द से जल्द बुढ़िया को मस्का लगाकर सारी प्रॉपर्टी हथिया लो तुम, उसके बाद पीछा छूटेगा इंजन जाल से। अरे जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कुछ समय और अपनी एक्टिंग चलने दो। दोनों पति पत्नी सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए नई नई योजना बनाने लगते हैं। राजेश रिंकी से कहता है, आज मैं अम्मा से कंपनी के पेपर पर साइन करवाने के बहाने सारी प्रॉपर्टी अपने और तुम्हारे नाम करवा लूँगा। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और उस बुढ़िया से साइन करवाओ। उसके बाद राजेश धोखे से अपनी माँ से सारी प्रॉपर्टी अपने और रिंकी के नाम करवा लेता है। प्रॉपर्टी अपने नाम होते ही दोनों पति पत्नी अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। रिंकी सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है और सुलोचना और दोनों मासूम बच्चे विकास और प्रेरणा से घर के सारे काम करवाने लगती है। रिंकी उन बच्चों के साथ मारपीट भी किया करती थी। देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो। अरे ओ बुढ़िया, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम दोनों आज दिन के सांप पर भरोसा करके इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को मत दो। बुढ़िया, इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है तू, कभी इतनी हिमायती हमारे साथ भी दिखाई होती। अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो एक ही बेटा था इन सपोलों का बाप, इनकी नज़र में तो हमारी अहमियत कभी थी ही नहीं। हाँ, इसलिए तो अब तीनों अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना तुम तीनों को आज खाने को भी नहीं दूंगी, समझी। ऐसे ही हर रोज उन तीनों पर ऐसे ही अत्याचार करते रहे दोनों पति पत्नी। बच्चे अपने मम्मी पापा को और सुलोचना अपने बेटे बहू को याद करके छुप छुप कर रोते थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। सुलोचना के हाथ पैर पर बड़े बड़े लाल लाल दाने निकल जाते हैं। रिंकी जैसे ही देखती है गुस्से से बोलती है, अरे बुढ़िया ये क्या करवा कर बैठी है। पता नहीं बहू, मैं आज सुबह जैसे ही उठी तब मैंने ये देखा। चल आज से तू स्टोर रूम में रहेगी। क्यों बहू, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। अच्छा बुढ़िया, बड़ी चालाक है तू, तू क्या सोच रही है, तेरे पर हम अपने पैसे खर्च करेंगे। तुम्हारे पैसे नहीं है वो, मेरे बड़े बेटे के पैसे हैं। तुमने तो झूठ बोलकर मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली है। अच्छा बुढ़िया, बहुत जवान चलने लग गई है तेरी, पता नहीं एक तो क्या करवा कर बैठी है पूरे शरीर में, कहीं मुझे और राजेश जी को भी ना हो जाए, इसलिए तू आज से स्टोर रूम में रहेगी। इतना कहकर रिंकी और राजेश सुलोचना को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और बच्चों से सारा काम करवाने लगते हैं। अत्याचार से थक हार कर दोनों बच्चे रात को छुपकर स्टोर रूम में जाते हैं और दादी को बाहर निकाल लेते हैं। चलो दादी अम्मा, अब हम इनके पास नहीं रहेंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। कहीं भी जाएंगे दादी अम्मा, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं रहेंगे, बहुत हो गया इनका इतना टॉर्चर। जब तक हमसे काम करवाती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आज उन्होंने आपको स्टोर रूम में बंद कर दिया, आपके साथ इतना बुरा होता हुआ हम नहीं देख सकते। अपने पोता पोती की बात सुनकर सुलोचना की आँखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद तीनों मौका देखकर घर से भाग निकलते हैं। तीनों रात के अंधेरे में चलते चलते गांव से दूर सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, हम चलते चलते कितने दूर तक सुनसान जगह पर आ गए हैं। अब आगे का तो कोई रास्ता मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अरे दादी अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा।
बेटा मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। दादी अम्मा आप इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, हम अभी आपके लिए पानी लेकर आते हैं। फिर सुलोचना वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती है और दोनों बच्चे पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी प्रेरणा की नज़र एक तालाब पर पड़ती है। वो देखो भैया तालाब, चलो वहाँ चलते हैं, मुझे लगता है वहाँ पानी जरूर मिल जाएगा। हाँ प्रेरणा तुम सही कह रही हो, चलो वहाँ चलते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन उस तालाब के पास जाते हैं। तालाब के बाहर दोनों भाई बहन को एक चमकीली मछली पानी के लिए तड़पती हुई दिखती है। विकास उस मछली को उठाकर तालाब में डाल देता है। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है, तालाब में से एक चमकती हुई चीज बाहर आती है। वह चमकती हुई चीज और कोई नहीं बल्कि पाताल की परी थी। परी दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों मैं पाताल परी हूँ। अच्छा, लेकिन आप मछली कैसे बन गए? बहुत समय पहले यहाँ एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे और मैंने इसी तालाब का पानी उन पर छिड़क दिया जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे श्राप दिया और मैं मछली बन गई। मैं तब से पानी के पास रहकर भी पानी के लिए तड़पती रही। आज तो मासूम बच्चों की वजह से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों तुम लोग इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? विकास और प्रेरणा रोते हुए सारी बात पाताल परी को बता देते हैं। दोनों बच्चों की बात सुनकर परी को उन पर बहुत दया आती है। परी अपनी जादुई छड़ी को तालाब के पानी में डालती है जिससे तालाब का पानी जादुई हो जाता है। अब ये एक जादुई पानी हो गया है, इस पानी को जो भी पिएगा उसे कभी भी कोई रोग नहीं होगा। इस पानी को पीने वाले व्यक्ति हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त रहेगा। इस तालाब का पानी अब से कभी खत्म नहीं होगा। पाताल परी दोनों बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहती है, इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। ये छड़ी हमेशा तुम तीनों की रक्षा करेगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस छड़ी को चुराने की कोशिश करेगा ये छड़ी उसे बहुत पीटेगी। उसके बाद पाताल परी उन तीनों के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर घर प्रकट कर देती है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। विकास और प्रेरणा फटाफट तालाब का पानी लेकर सुलोचना के पास जाते हैं। दोनों बच्चे दादी के ऊपर तालाब का पानी छिड़क देते हैं। तालाब का पानी छिड़कते ही दादी के शरीर पर हो रहे लाल लाल दाने पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। उसके बाद तीनों उस आलीशान घर में रहने लगते हैं। विकास और प्रेरणा और जादुई तालाब के पानी से सबकी बीमारी ठीक कर देते हैं और जादुई छड़ी से पैसे मांगकर गरीब लोगों की मदद भी किया करते थे। पूरे गांव में तीनों बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश और रिंकी को उनकी किए की सजा मिल जाती है। उन दोनों के शरीर में भी लाल लाल बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। जादुई तालाब के पानी के बारे में सुनकर दोनों वहां अपना रोग ठीक करने के लिए आ जाते हैं। उन दोनों को देखते ही जादुई छड़ी उन दोनों को पीटने लगती है। राजेश और रिंकी सुलोचना विकास और प्रेरणा से अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। तीनों उन्हें माफ कर देते हैं और तालाब के पानी से उन्हें स्वस्थ कर देते हैं। उस दिन के बाद से राजेश और रिंकी सारी प्रॉपर्टी विकास और प्रेरणा के नाम से कर देते हैं। उसके बाद राजेश और रिंकी दोनों बच्चों को अपना मान लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किट्टू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।